पेन कैलकुलेटर साथ में लेकर बैठे क्योंकि अगर आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ सॉल्व करें ठीक है मैं स्ट्रॉन्गली दोबारा से रिकमेंड कर रहा हूं आपको कि मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा जरूर सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2021 ट्वेंटी जो हमारे होने वाले हैं फॉर सी इंटर स्टूडेंट ठीक है हम लोग बातें करेंगे इनकम टेक्स की भी पूरा टेस्ट पे डिस्कस करेंगे Uh, शुरू की वीडियोज में इनकम टैक्स और फिर जीएसटी दोनों ही डिस्कस होंगे बोथ एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर ठीक है तो ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होने वाली है बिकॉज हम थरली डिस्कस करेंगे और मैं आपके साथ सॉल्व भी करूंगा और आपको आसपास के जो भी कंसेप्ट टच हो रहे होंगे उसको भी रिवाइज कराता हुआ चलूंगा जिससे कि आपके कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग भी हो जाए और रिवाइज भी हो जाए ठीक है वर्किंग नोट्स आपको पता है ठीक है आप अच्छे से जानते हैं इंस्ट्रक्शंस वर्किंग नोट्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के साथ आपको वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर उसके भी मार्क्स होते हैं एमसीक्यूज में वर्किंग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हम लोग जानते हैं दिसंबर ट्वेंटी वन एग्जामिनेशन के लिए असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू है शुरू करते हैं ओके डिविजन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स आपको चार ऑप्शन गिवन होते हैं उसमें से एक ऑप्शन आपको ठीक करना है ऑल क्वेश्चन सभी कंपल्सरी है इनकम टैक्स में इट इज ऑफ एटीन मार्क्स और जीएसटी में इट इज फॉर ट्वेल्व मार्क्स ओके फर्स्ट क्वेश्चन से मिस्टर कश्यप अ मैनुफैक्चर ध्यान दीजिएगा ही इज अ हीचर ध्यान क्यों देना है हम लोगों को क्योंकि अगर इसके ऊपर मशीन्स वगैरह परचेज की गई हैं नई मशीन

थर्टी टू याद आ गया डेप्रीसिएशन में अलाउड होता है तो ये एक्सपेंस मान लिया जाएगा अगर इस पर ध्यान दीजिएगा अगर पूरे क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ भी बातें नहीं दी गई हैं तो हम ये मान लेंगे कि यही डेप्रीसिएशन सही है और इन्होंने ये क्लेम करा है तो सही किया होगा बट अगर इसी क्वेश्चन में डेटेशन के के बारे में कुछ लाइंस दी गई होंगी कुछ बारे, इसके बारे में बताया गया होगा कि इसका इनका ओपनिंग क्या था इस साल आपने कोई कुछ एक्स्ट्रा किस परचेज किए हैं तो हमें फिर डेप्रिसिएशन उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा ठीक है यह बात क्लियर है एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं डेप्रिसिएशन सबसे पहली बात डेप्रिसिएशन इज एन अलाउेबल एक्सपेंस तो अगर इन्होंने डेप्रिसिएशन क्लेम करा है तो यह अलाव कर देना चाहिए बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है डेप्रीसिएशन के बारे में तो हम मान लेंगे कि यही डेप्रीसिएशन सही है बट इन केस अगर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए तो फिर आप डेप्रिसिएशन उसी के अकॉर्डिंग एज पर इंफॉर्मेशन कंप्यूट करेंगे फिर ये डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे हम फिर जो हमने कंप्यूट कराया है सेक्शन थर्टी टू के अकॉर्डिंग वो डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा ठीक है ओके okay, आगे बढ़ते हैं यहां तक बातें समझ में आ गई हैं इस साल का प्रॉफिट इन्होंने 40 लाख माना है डेप्रीसिएशन 12.2 लाख क्लेम किया हुआ है ठीक है एक्सपेंडिचर इन पीएनएल अकाउंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड देखो इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है तो दैट इज अलाउड आप अपने बिजनेस के लिए कुछ लोन लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं दैट इज अलाउड याद आता है आपको सेक्शन थर्टी सिक्स वन सेक्शन थर्टी सिक्स वन अगर कुछ सेक्शन तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट है आपको याद होने चाहिए कुछ सेक्शन को मैं बोलता हूँ ठीक है ज्यादा अगर अगर नंबर याद नहीं है बट आपको प्रोविजन तो बहुत अच्छे से आने चाहिए तो इतना तो आपको पता होना चाहिए अगर सेक्शन थर्टी सिक्स वन याद नहीं आता तो एटलीस्ट यू शुड नो कि इंटरेस्ट तो अलाउड होता है ठीक है बट इन्होंने किसको पे करा मिस्टर राज को और रेसिडेंट ठीक है कोई मिस्टर राज है इन्होंने उसको कश्यप असेसी हैं, इन्होंने राज को इंटरेस्ट पे करा है assessi, person, TDS. बिना TDS करे, इन्होंने ये पैसा दे दिया अब आप जानते हैं कि अगर आप बिना टी डी एस डिडक्ट करें ये पैसा दे देते हैं और अगर आपके ऊपर टी डी एस के प्रोविजन लगते हैं मिस्टर कश्यप तो आपको इनका टी डी एस डिडक्ट करना चाहिए था ठीक है और अगर आपने टी डी एस डिडक्ट नहीं करा है तो एक सेक्शन आता है अगर आपको नंबर याद है और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपको याद भी होना चाहिए फोर्टी स्मॉल ए ठीक है चाहे आपको इसके आगे के क्लॉजेस वन वन ए वगैरह याद ना रहे बट फोर्टी स्मॉल ए आपको याद होना चाहिए ठीक है फोर्टी स्मॉल ए में ऐसी बातें हम करते हैं कि अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट्स को पे कर दिया है ठीक है इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एक्सेट्रा तो अगर आपने नॉन रेसिडेंट को पे पे कर दिया बिना टीडीएस रेड करे तो हंड्रेड परसेंट डिसअलाउ कर देते थे बट अगर आपने किसी रेजिडेंट को पे किया है तो हम हंड्रेड परसेंट तो नहीं करते बट थर्टी परसेंट डिसअलाउ कर देते हैं तो इस केस में वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का इंटरेस्ट इन्होंने यहाँ पर एक्सपेंस माना हुआ है बट हम क्या बोलेंगे सर वन में से ना आपने ये रेजिडेंट को पे करा है तो इसमें से थर्टी परसेंट डिसअलाउ हो जाएगा ठीक है क्योंकि आपको पता है 40 small क्या कहता था इसके बारे में कि आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो जो भी आपका प्रीवियस ईयर है हमारा प्रीवियस ईयर है ट्वेंटी ट्वेंटी वन इसी साल आप अपना टीडीएस डिडक्ट कर लेना चाहिए यानी कि लास्ट डे तक भी करेंगे तो भी चलेगा थर्टी फर्स्ट मार्च 2021 तक भी करेंगे तो भी चलेगा बट अगर आपने इसके बाद किया है तो हम इस साल इसको अलाउ नहीं करते फिर कब अलाउ करते हैं जब भी ये टी डी एस गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हो फिर उस साल अलाउ करते हैं बट इस साल तो अलाउ नहीं करेंगे अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इसको डिडक्ट नहीं किया है अगर आगे लाइन हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है सच टेक्स वो हाउर डिडक्टेड ऑन फिफ्टीन फोर ट्वेंटी वन अब देखिए हमारा ईयर तो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन को एंड हो गया आपने उसके बाद अप्रैल में जाकर सॉरी हम इसको अलाउ नहीं करेंगे कितना 30 कर देंगे ठीक है आपने इस साल डिडक्ट किया है और रेमिटेड मतलब गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया को ठीक हाँ, है की से पहले पहले तो जमा हो गया है बट ये वाली कंडीशन दिस तो फुलफिल नहीं हुई थी इफ दिस कंडीशन हैज नॉट बीन फुलफिल्ड तो आप इसको में से थर्टी परसेंट कर दीजिएगा तो वन थाउजेंड का थर्टी परसेंट हो जाता है हमारे पास, 45, रुपीज। कश्यप in, in जैसी का नाम आता है आपको पता है सेक्शन थर्टी फाइव ठीक है ठीक है हमारा ध्यान सेक्शन थर्टी फाइव में चला जाना चाहिए सेक्शन थर्टी फाइव में दो बातें हम करते थे एक तो इन साइंटिफिक रिसर्च और एक आउटसाइड साइंटिफिक रिसर्च आउटसाइड मतलब कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है तो भी अलाउड हो जाता था आता है आपको पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है मिस्टर कश्यप इज एंग इन साइंटिफिक रिसर्च इन साइंटिफिक रिसर्च ही इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड परिसर्च इक्विपमेंट एंड वन लाख एज रिमरेशन यानी कि रिसर्च इक्विपमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की है कोई प्रॉब्लम नहीं है अलाउड होता है सेक्शन 35 कहता है इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंसिस की है रेवेन्यू एक्सपेंसिस दोनों ही अलाउड होते हैं तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड कैपिल्सेंडिचर है अलाउड होगा हंडेंट वन लाख रेमेशन पे करी है साइंटिस्ट को यह भी अलाउड होगा सेक्शन थर्टी फाइव दोनों को अलाउ कर देता है द सेट द सेट सम आर समो डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक किया हुआ है बिल्कुल ठीक करा हुआ है ये दोनों एक्सपेंस अलाउड हैं और इन्होंने पी एनल अकाउंट में डेबिट करा हुआ है हम इसका कुछ नहीं करेंगे बिल्कुल सही एक्सपेंस है ठीक है एक कंसेप्ट में और रिवाइज कराना चाहूंगा आपको आपको याद है अब हमारे पास ना न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन भी है ठीक है दोनों स्कीम है ऑप्शनल है कि आप न्यू स्कीम में भी जा सकते हैं तो एक तो हमारे पास ओल्ड स्कीम है जो हम ओल्ड मतलब इसको ओल्ड नहीं बोलना चाहिए एग्जिस्टिंग बोलना चाहिए वैसे तो मुझे ठीक है ओल्ड स्कीम या एग्जिस्टिंग स्कीम में कह सकता हूं और एक हमारे पास न्यू स्कीम है सेक्शन याद है आपको न्यू स्कीम का सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी ये न्यू स्कीम होती है तो हाँ ऑब्वियसली न्यू स्कीम में थोड़े टैक्स रेट्स कम होते हैं शुरू के टू पॉइंट फाइव लाख तक टैक्स रेट नहीं होता नेक्स्ट टू पॉइंट फाइव फाइव परसेंट टू पॉइंट फाइव टेन फिफ्टीन इस तरीके से होते हैं बट यहाँ पर काफी सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते आपको काफी सारे बेनिफिट्स यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हम न्यू स्कीम फॉलो करें या ओल्ड स्कीम फॉलो करें जो भी मोस्ट बेनिफिशियल होती है टू द एस हम वो फॉलो कर लेते हैं बट मुझे आपको यहां पे डिस्कस uh, करना है सेक्शन थर्टी फाइव के बारे में देखो सेक्शन थर्टी फाइव में होता है इन हाउस रिसर्च और आउटसाइड रिसर्च इन हाउस रिसर्च आपने की है ओल्ड स्कीम में अलाउड है न्यू स्कीम में भी अलाउड है इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च दोनों में अलाउड है वेदर यू आर फॉलोइंग एग्जिस्टिंग ओल्ड स्कीम और यू आर फॉलोइंग न्यू स्कीम दोनों में इन हाउस रिसर्च अलाउड होती है समझ में आ रही है बातें बट अगर आपने आउटसाइड रिसर्च की है आउटसाइड रिसर्च की है तो आपकी ओल्ड स्कीम में तो ये अलाउड होती है आउटसाइड रिसर्च बट न्यू स्कीम में नहीं होती है ठीक है न्यू स्कीम में आउटसाइड रिसर्च अलाउड नहीं होती है बट यहां पर क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों ही इन हाउस रिसर्च है ठीक है वेदर द एस फॉलोइंग ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम दोनों ही ये एक्सपेंसिज अलाउड हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ बट अगर आउटसाइड रिसर्च होती तो एग्जिस्टिंग स्कीम फॉलो करते तो अलाउड थी न्यू स्कीम फॉलो करेंगे तो अलाउड नहीं होगी ठीक है ओके मिस्टर कश्यप न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर रुपीज फोर्टी फाइव लाख अब देखो इन्होंने नई प्लांट मशीनरी परचेज करी है और बिकॉज ही तो है सेकेंड ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी को एंड पुट टू यूज ऑन फर्स्ट नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी इस साल हमने परचेज कर लिए है सेकेंड ऑगस्ट को और यूज करिए फर्स्ट नवंबर 2020 से यानी कि हमारे 180 डेज से कम आने वाले हैं यहाँ पर फर्स्ट नवंबर से इन्होंने यूज करना शुरू करा तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट लग जाएगा हाफ ठीक है जनरली प्लांट मशीनरी पर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन बताइए क्या होता है फिफ्टीन परसेंट ठीक है फिफ्टीन परसेंट जनरल रेट होता है प्लांट मशीनरी के ऊपर बट क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर वन एटी डेज से कम यूज़ किया है तो हाफ लगेगा सेवन पॉइंट फाइव परसेंट और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा क्या हाँ जी बिल्कुल मिलेगा एडिशनल डेप्रीसिएशन भी मिलेगा और वो भी कितना होता है ट्वेंटी परसेंट होता है बट अगर वन एटी डेज से अगर आपने कम यूज़ किया है तो फिर इस साल टेन परसेंट मिलता है और नेक्स्ट टेन परसेंट नेक्स्ट ईयर में मिल जाता है तो इस इस साल हम इस मशीन के ऊपर इनको आधा देंगे नॉर्मल सेवन पॉइंट आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ ,00 है फॉर दिस पर ध्यान से देखिएगा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इन्होंने 45 लाख की मशीन परचेज करी बट इनके पास पूरे पैसे नहीं होंगे या किसी भी रीजन से इन्होंने 25 लाख रुपीस बोरो 25 लाख रुपीस बोरो करे 10 परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था इसके ऊपर और इन्होंने इसको पूरा का पूरा पी अकाउंट में डेबिट कर लिया क्या इन्होंने सही किया द आंसर इज नो इन्होंने गलती कर दी हम लोग जानते हैं ये बातें हमने सेक्शन थर्टी सिक्स वन में ही पढ़ते हैं कि जब कभी भी अगर आप कोई भी असेट परचेज करते हैं मेन एवर यू परचेज एन असेट और उसके लिए अगर आपने लोन लिया टू यूज आप इसको इंस्टॉल नहीं करते यूज नहीं करते हैं वहां तक उस पीरियड तक का इंटरेस्ट को हम रेवेन्यू मानतेड इन दैल्यू ऑफ द मशीन वो मशीन की वैल्यू में असेट की वैल्यू में एड हो जाना चाहिए तो यहां पर फर्स्ट ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी से इंटरेस्ट आया ठीक है टेन परसेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बट फर्स्ट ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी से लेकर नवंबर फर्स्ट नवंबर का मैं कह सकता हूं थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज कर देंगे तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तीन महीने का इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज होने वाला है और वो कैपिटलाइज होकर मशीन की वैल्यू में ऐड हो जाएगा तो फोर्टी फाइव जो भी इंटरेस्ट अभी हम कैलकुलेट करेंगे फोर्टी फाइव लाख में प्लीज उसको ऐड कर दीजिएगा और डेप्रिसिएशन फिर अकॉर्डिंगली निकालिएगा फोर्टी फाइव लाख में निकलेगा जो इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज करा फर्स्ट इट शुड बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ द मशीन उसके बाद आप इसको डेप्रीसिएशन क्लेम करेंगे ठीक है और बाकी का नवंबर डिप्रीशन तो आप पी एन एल अकाउंट से चार्ज कर सकते हैं तो इन्होंने पूरा कर दिया था तो हमें पूरा नहीं करना चाहिए जितना अमाउंट इनको कैपिटलाइज करना चाहिए उसको कर सेम डेट अब लास्ट ईयर कार परचेज करी थी एट लाख रुपीज की अब प्लीज बताइए मोटर कार अगर इनका हायर का बिजनेस तो नहीं है मोटर कार हायर वगैरह का मोटर कार अपने बिजनेस में यूज करते हैं तो मोटर कार के ऊपर भी हम लोग जनरली डिप्रीसिएशन का रेट जानते हैं फिफ्टीन परसेंट होता है ठीक है बट आपको अगर याद है तो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पीरियड फ्रॉम ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू के बीच में अगर आपने मोटर कार खरीदी थी तो इस पीरियड के लिए डेप्रीसिएशन का रेट 30% परसेंट कर दिया गया था 15% से बढ़ाकर 30% परसेंट कर दिया है, फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड अब ये उसी टाइम पीरियड में आ रहा है तो 8 लाख के ऊपर डेप्रीसिएशन का रेट 15 नहीं रहेगा नॉर्मल तो 15 होता है बट क्योंकि उस पर्टिकुलर पीरियड में आ रहा है सेकेंड अक्टूबर ट्वेंटी को इन्होंने चेज करा इसी दिन यूज किया लास्ट ईयर की बातें हो रही हैं तो यहाँ पर थर्टी परसेंट का रेट लगेगा डेप्रीसिएशन का फिफ्टीन वाला नहीं लगेगा नॉर्मल वाला नहीं लगेगा ये उस पीरियड की बातें हो रही हैं रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ प्लांट मशीनरी ऑन ऑनटीन परसेंट वाला फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी को नाइन्टी फाइव लैक दिया गया है यानी कि ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा पैराग्राफ हमें डेप्रिसिएशन के बारे में कह रहा था अब याद कर लीजिएगा मैंने आपको ऊपर ये बताया था कि डेप्रिसिएशन एज पर बुक तो ट्वेल्व ट्वेंटी है और अगर डेप्रिसिएटन के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर तो हम 1220 को ही ठीक मान लेंगे बट क्योंकि यहां पर हमें डेप्रिसिएशन के बारे में बातें बताई गई हैं तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन हमें पहले कंप्यूट करना पड़ेगा और जो हम कंप्यूट करेंगे वो एज पर सेक्शन थर्टी टू अलाउ करेंगे और ये एक्सपेंस डिसअलाउ ट्वेल्व ट्वेंटी वाला अलाउ नहीं मानेंगे वो ठीक नहीं है जो हम थर्टी टू के अकॉर्डिंग कंप्यूट करेंगे वो ठीक रहेगा ठीक है चलिए जी इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और अब क्वेश्चन शुरू हो गए मैं आप चाहूंगा कि आप दोबारा से ये इन्फॉर्मेशन ना पढ़ें ठीक है अभी तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाकर धीरे धीरे और दूसरे कंसेप्ट लगाकर ये सारी चीजें बताई हैं बट जब आप लोग पढ़ते हैं एग्जाम्स में या टेस्ट करते समय तो आपको ये बहुत जल्दी चीजें पढ़नी चाहिए ठीक है योर कंसेप्ट मस्ट बी स्ट्रांग आपके कंसेप्ट स्ट्रॉग होने चाहिए ओके बेस्ड ऑन द अब इन्फॉर्मेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर वट वुड बी द डेप्रीसिएशन अलावेबल अंडर सेक्शन थर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ प्लान मशीनरी फिफ्टीन परसेंट एंड मोटर कार फॉर असैसमेंट इवेंटी टू एज्यूम दैट मोटर कार इज दिन दैट ब्लॉक ओके तो हम लोगों को एज पर सेक्शन थर्टी टू डेप्रीसिएशन निकालना है प्लान मशीनरी फिफ्टीन परसेंट पर कितना होगा और मोटर कार और क्योंकि मोटर कार इन्होंने फिफ्टीन परसेंट में इसलिए एड नहीं करा क्योंकि वो लिमिटेड टाइम पीरियड वाले हैं

डिप्रीसिएशन ऑन प्लान मशीनरी फिफ्टीन परसेंट वाला ठीक है एमसी क्यू है आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं बट मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं किस तरीके से हम लोग करते हैं अगर इनके से ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता तो हम लोग कैसे करते ओपनिंग डब्ल्यू डी वी ऑफ द ब्लॉक एट द बिगिनिंग कितना दिया हुआ था इसका ओपनिंग डब्ल्यू तो वी हैव हाँ 95 फाइव लाख रुपीज का प्लान मशीनरी का ओपनिंग डब्ल्यू 95 लाख फाइव लाख है 95 फाइव लाख ठीक है याद आता है आपको इस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं आप लोग एड एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कुछ भी एक्वायर करा है इस साल एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर और फिर अगर कुछ सेल कराया तो लेस मनी रिसीव्ड ऑन सेल और डिस्पोजल तो सबसे पहले एडिशन एडिशनिंग दर देख लेते हैं यहां पर हमने एक मशीन मशीनसी ने एक मशीन एक्वायर की है लाख रूपीज की तो एडिशन लाख प्लस जो आपको इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है वो भी आपके मशीन का पार्ट बन जाएगा तो कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे आप ट्वेंटी फाइव लाख का लोन था टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अगस्त से लेकर अगस्त पूरा कंप्लीट सेप्टेंबर और अक्टूबर ठीक है अक्टूबर कंप्लीट क्योंकि फर्स्ट नवंबर से तो पुट टू यूज हो गया तो तीन महीने का जो इंटरेस्ट हमने डेबिट किया हुआ था पीनल अकाउंट में तो वो पूरा नहीं करना था ये जो तीन महीने का अमाउंट है इंटरेस्ट का इट शुड भी कैपिटलाइज कीजिएगा तो तीन महीने का निकाल लेते हैं इसके ऊपर ट्वेंटी लाख का टेन फॉर थ्री मंथस तो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर एक तो हमार, हमारा हमारा फोर्टी लाख रुपीज आया है फोर्टी लाख प्लस ट्वेंटी फाइव लाख का टेन परसेंट फॉर थ्री मंथ्स आप इसको भी ऐड करेंगे ठीक है सब लोग समझ गए हैं दिस इज इंटरेस्ट दैट शुड बी कैपिटलाइज कितना होता है अमाउंट 25 ,00 लाख कैलकुलेट करेंगे आप लोग मेरे साथ सारी चीजें मुझसे मत कराइएगा आप लोगों को कैलकुलेट करनी है 25 लाख ,00 का 10% परसेंट मेरे साथ कर रहे हैं ना आप लोग टू लाख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू थ्री आ जाता है 62, मतलब तो तो दिस दिस कम्स इंटरेस्ट शुड बी ये हमने गलत अकाउंट में जो हमने पूरा इंटरेस्ट डेबिट किया हुआ होगा तो उसमें से 62, का इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे दैट शुड बी कैपिटलाइज इन वैल्यू ऑफ मशीन की वैल्यू में ऐड कर देंगे तो फोर्टी फाइव लाख लाख प्लस तू तो दिस कम्स का आपने एडिशन कर किया है ड्यूरिंग ईयर लेस मनी रिसीव ऑन सेल और डिस्पोजल अगर आपने कोई भी असेट इस ब्लॉक में से कुछ भी चीजें बेची हैं और पैसे मिले थे तो माइनस करते हैं तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो इसको हम लिखते हैं दिस शुड बी डब्ल्यू at एट द एंड फॉर चार्जिंग देखिए आपको एमसीक्यू में ये सब कुछ इतने सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी नहीं लिखने आपको तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना होगा बट क्योंकि इस वीडियो को मैं पर्पजफुली आपके कंसेप्ट को सॉल्व स्ट्रॉन्ग uh, करने के लिए बना रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आता है इस तरीके से तो आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए तो डब्ल्यू at एट end for फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन तो हम इस सब ऐड कर देते हैं 95 लाख प्लस 45 लाख 62,500 ठीक है मेरे साथ करते रहिएगा 1 लाख ,00, 40,000 सॉरी 1 करोड़ 40 लाख 62,500 सो दिस इज़ द अमाउंट ऑन विच वी हैव टू चार्ज डेप्रीशन एट द एंड ऑफ़ द ईयर तो 140 लाख 62,500 पर डेप्रीशन चार्ज कीजिएगा सबसे पहले तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन नॉर्मल कितना रेट है 15 का बट हम हमेशा ये देखते हैं कि क्या इसमें कोई नया इसमेंट ऐड हुआ है और अगर वो नया ऐड हुआ है तो क्या वो वन एटी डेज से ज्यादा यूज हुआ है डेज से कम यूज हुआ है और अगर वो वन एटी डेज से कम यूज हुआ है तो इट शुड भी हाफली चार्ज ठीक है डेप्रीसिएशन शुड भी हाफली चार्ज तो यहां पर ये ये वाला अमाउंट जब हमने इंक्लूड करा तो ये फर्स्ट नवंबर से यूज होना शुरू किया गया है तो इट शुड बी हाफ डेप्रीसिएशन आधर इसके ऊपर लगाएंगे बाकी के ऊपर पूरा लगा देंगे यानी कि हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं नाइनटी फाइव लाख के ऊपर तो पूरा फिफ्टीन परसेंट का डेप्रीसिएशन और फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव लाख के ऊपर हाफ डेप्रीसिएशन ठीक है कितना आता है ये 95 फाइव ,00 लाख के ऊपर फिफ्टीन परसेंट इज़ 14 फाइव ,00, थाउजेंड और इसके ऊपर हाफ फोर्टी फाइव लाख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड के ऊपर सेवन पॉइंट फाइव परसेंट थ्री लाख फोर्टी टू थाउजेंड वन एटी सेवन पॉइंट फाइव फाइव है इसको वन मैंने एट कर लेता थाउजेंडन सेवन पॉइंट फाइव यान एटी एट दिस इज नॉर्मल डेप्रीसिएशन अब इसमें एडिशनल डेप्रीसिएशन और ऐड करेंगे प्लस है और अ uh, मैनुफैक्चर तो हम इसको एडिशनल हो तो टेन परसेंट इस साल और टेन परसेंट नेक्स्ट ईयर ठीक है समझ में आता है टेन परसेंट नेक्स्ट ईयर जब हम नेक्स्ट ईयर का करेंगे तो टेन परसेंट बाकी का दे देंगे, इस साल सिर्फ टेन परसेंट देंगे ठीक है टेन परसेंट ऑफ वॉट टेन परसेंट जो हमने नया एडिशन किया है 45 लाख 62, 45 लाख या 62,500 भी ऐड करेंगे। ओब्विसली 62,500 तो अब मशीन की वैल्यू बन चुकी है, तो 45 लाख 62,000 के ऊपर 10 परसेंट, दिस कम्स टू, ये तो सीधा सीधा आ जाता है, 4 लाख uh, 556,250 आ जाएगा ये। ठीक तो है तो दिस इज एडिशनल डिप्रीसेशन, ये एडिशनल डिप्रीसेशन है। अब टोटल डेप्रीसिएट कितना हो गया इसमें ऐड कर देते हैं फोर फिफ्ट फाइव सिक्स टू फिफ्टी सो दिस इज टोटल हमारा डेप्रीसिएशन हो गया डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी फिफ्टीन परसेंट वाला इन दोनों का टोटल कर दीजिएगा ट्वेंटी टू लाख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर थर्टी एट दिस इज द डेप्रीसिएशन ऑन प्लान मशीनरी फिफ्टीन परसेंट वाला ब्लॉक अब हमारे पास एक और ब्लॉक है मोटर कार का ठीक है और वो भी थर्टी परसेंट वाला थर्टी परसेंट याद है आपको क्योंकि वो उस पीरियड के बीच में परचेज और पुट टू यूज हुआ था तो इसलिए हम थर्टी परसेंट का डेप्रीसिएशन लेंगे तो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं डेप्रिसिएशन ऑन मोटरकार जिसके ऊपर थर्टी परसेंट का रेट है ठीक है तो इसकी चेक करते हैं कि हम लोग कौन से ईयर के निकाल रहे हैं दिस इज फॉर प्रीवियस ईयर 2021 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो ओपनिंग डब्ल्यू डीवी ऑफ द ब्लॉक कितनी गिवन है क्वेश्चन में नाइन्टी फाइव लाख तो प्लान मशीन फिफ्टीन परसेंट की ओके okay, यहां पर ना मोटर कार की हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यू डीवी हमारे हमें चाहिए फर्स्ट अप्रैल 2020 की डब्ल्यू डीवी चाहिए वो गिवन नहीं है देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये

और ये सेकेंड अक्टूबर 2019 को पुट टू यूज किया गया था ठीक है इसी इसी दिन करा, इसी दिन करा पुट टू यूज कर लिया गया तो अगर आप नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो अक्टूबर के सेकेंड अक्टूबर से काउंट करेंगे तो अक्टूबर के थर्टी डेज आएंगे ठीक है फर्स्ट अक्टूबर को हटा दें तो अक्टूबर के थर्टी डेज नवम्बर के थर्टी दिसंबर थर्टी वन जनवरी के भी थर्टी वन होते हैं फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी होगा ना वो लीप ईयर होगा ट्वेंटी नाइन डेज और मार्च थर्टी वन डेज ठीक है सब लोग समझ रहे हैं तो लास्ट ईयर ये, ये हमने यूज किया थर्टी 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 वन एट्टी डेज से ज्यादा आ रहा है, 180 से रहा है फुल डेप्रीसिएशन लगने वाला है इसके ऊपर तो जब हमने लास्ट ईयर आठ लाख का ये परचेस किया गया होगा तो इसके ऊपर फुल डेप्रीसिएटन लगाया होगा थर्टी परसेंट का ठीक है एग्री है एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं सर मोटर कार व्हीकल्स वगैरह के ऊपर एडिशनल डेप्रीसिएटन तो नहीं मिलता है बट नॉर्मल डेप्रीसिएट का रेट ही थर्टी परसेंट है इनके लिए तो लास्ट ईयर हमने थर्टी परसेंट डेप्रीसिएशन इसके ऊपर लगा चुके होंगे तो इसका मतलब इस साल का ओपनिंग कितना बनेगा एट लाख ,00 में से थर्टी परसेंट माइनस कर दीजिएगा ठीक है सब आई बिलीव सबको समझ में आ गया हुआ मैंने थर्टी परसेंट माइनस क्यों किया है क्योंकि हमें हम लोग प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन का डिप्रिशन चाहिए इस साल का ओपनिंग डब्ल्यू डीवी हमें गिवन नहीं था बट हमें इससे पुरानी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी लास्ट ईयर की तो लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन को हमने यूज किया कि वो एट लाख रुपीज का असेट परचेस किया गया था उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर लगाया गया होगा तो हमारा वो 180 डेज से ज्यादा आ रहा था तो पूरा डेप्रिसिएशन 30 परसेंट चार्ज किया गया होगा तो इसके ऊपर हमारे पास आ जाता है मोटर कार के ऊपर लाख में से आप थर्टी परसेंट माइनस कर ओपनिंग तो ,00 डीवी तो आ गया फाइव लाख सिक्सटी थाउजेंड फॉर मोटर कार ठीक है एडिशन ड्यूरिंग ईयर कुछ भी नहीं हुआ ठीक है सेल वगैरह भी कुछ नहीं हुई यानी कि इसी वैल्यू के ऊपर हम करंट ईयर में दिस इज कोई एडिशन नहीं हुआ कोई सेल नहीं हुई तो डब्ल्यू डीवी एट द एंड फॉर चार्जिंग डिप्रीसी ठीक है डीईपी आप एग्जाम में भी शॉर्ट फॉर्म में डीपी लिख सकते हैं ठीक है कुछ चीजों की शॉर्ट फॉर्म अलाउड होती है लिखनी जैसे पीजीबीपी है पीजीबी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन देखिए आपके पास ना टाइम बहुत लिमिटेड है ठीक है तीन घंटे आपके पास जो टाइम मिलता है तो उसमें अगर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है तो एक तो आपकी स्पीड शुरू से बहुत अच्छी होनी चाहिए ठीक कहीं पर भी आप रुके ना जल्दी जल्दी आपको चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए कुछ चीज़ पर अगर अटक रहे हैं उसको एक दो मिनट दीजिए अगर आपको याद आता है तो अगर वो नहीं याद आ रही तो फिर आगे चलिए ठीक है मेन आपका जो एम होना चाहिए वो आपको क्वेश्चन पेपर छूटे नहीं ठीक है आपका क्वेश्चन पेपर में आप कोई क्वेश्चन स्किप ना करें छूटे नहीं मैक्सिम जस्ट जितना आपको आता है वो आप पूरा करना चाहिए तो हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि अपना पूरा हंड्रेड मार्क्स का पेपर हम टाइम से कंप्लीट कर सके तो उस चीज के लिए एक तो हमें स्पीड शुरू से मेंटेन करनी चाहिए दूसरा आपको कहीं पर जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एब्रीविएशन है वो यूज कर लेनी चाहिए जैसे कैपिटल गेन पूरा ना लिखे कैप गेन लिख सकते हैं आप प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस इन प्रोफेशन पी जी बी पी आई एफ ओ एस डेप्रिसिएशन को डी पब मैं ये नहीं करा कि आप हर चीज़ की शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिएगा हाँ जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं चीज़ें ठीक है चीज़ आपने प्रैक्टिस करी होगी जब आपने क्लासें ली होंगी तो आपकी फैकल्टीज ने भी कुछ ऐसी बातें बताई होंगी कि आप इसको इतना लिख सकते हैं uh, आप जब प्रैक्टिस करते हैं टेस्ट पेपर्स वगैरह करते हैं टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से पहले किसी भी एग्जाम से पहले वो किसी भी सब्जेक्ट का नॉट ओनली फॉर टेक्सेशन किसी भी सब्जेक्ट का तो तो कम से कम से आपको मिनिमम मिनिमम तो करने चाहिए तीन है जितना ज्यादा करें उतना अच्छा रहेगा ठीक है अगर आप टेस्ट भी दे रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं या फिर पूरा का पूरा फुल फ्लेज कर रहे हैं तो कम से कम आपने चार पांच टेस्ट वगैरह भी दिए हों ठीक है तब जाके आपकी अच्छी

मुश्किल से मुश्किल क्योंकि आपको ये इतने सारे स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं लिखने होते एमसी क्यू में ठीक है तो आप फर्स्ट आपने ये चीजें पढ़ी हैं ये चीजें आपको पढ़ने में टाइम लगेगा फिर इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा तो जनरली मुझे लगता है कि आपको लगभग यहां तक आने में पांच से आठ मिनट में ये सॉल्व हो जाना चाहिए पांच से आठ मिनट में आगे की देखिए आगे की चीजें तो और जल्दी सॉल्व होंगी क्योंकि आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं तो पांच से आठ मिनट में आपका ये देखिए मैंने तो लगभग शायद आप इसमें बीस पच्चीस मिनट आपके अभी तक लगा दिए हैं बट आपको ये जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होना चाहिए ठीक है मैं तो अभी आपको साथ साथ में समझा रहा हूं ओके ट इज द अमाउंट ऑफ डिस एनी अट्रेक्टेड फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस अब देखो ये तो आपको दस सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए कि कितना आप डिस करेंगे तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का इंटरेस्ट पे करा है बट विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस टीडीएस डिडक्ट करा था बट प्रीवियस ईयर के बाद तो हम थर्टी परसेंट इसमें से डिसलाउ कर देंगे तो इसका फोर्टी फाइव थाउजेंड सीधा सीधा आंसर आ जाएगा तो द आंसर इज सी ठीक है ये तो बहुत जल्दी हो गया नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पॉइंट से what would be the income under the head pgbp of mr kashyap for assessment year 21 22 under the normal provisions of the act theek hai normal provisions ke hisab se income kya hogi normal provision matlab मतलब new scheme nahi keh raha hai existing provisions old provision ke hisab se inki pgbp ki income kya hogi to isko hum solve kar lete hain ek bar इन्होंने यहां पर बताया था कि इन्होंने अपनी income claim करी है 40 लाख but 40 लाख में हमने देखा कि कुछ गलतियां थी अब ये डेप्रिसिएशन एक तो ये डेप्रीसिएशन सही नहीं है जो डेप्रीसिए हमने कैलकुलेट करा है जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ठीक है ये ये वाला जो हमने कैलकुलेट करा था ये सही है तो इसको डिसअलाउ करेंगे ये है। दूसरा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का जो इन्होंने इंटरेस्ट चार्ज करा हुआ है पीनल अकाउंट्स में से उसमें से फोर्टी फाइव थाउजेंड डिसअलाउ करने वाले हैं देखो फोर्टी फाइव थाउजेंड भी आ गया था तो एक तो दो चीज यहां पर ये करनी है ये आपका डेप्रिसिएशन ठीक करना है इसको डिसअलाउ करिए इसको अलाउ करिए दूसरी बात

बट हमें कुछ इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना था उसको भी हम डिसअलाउ करेंगे तो वो भी हम कैलकुलेट कर चुके थे कि कितना इंटरेस्ट हमने डिसअलाउ करा था तो बहुत जल्दी आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं अगर मैं सिर्फ अमाउंट लिखूंगा तो बहुत जल्दी कर लेता हूं बट मैं थोड़ा सा आपको लिखकर बता देता हूं कि आप किस तरीके से करेंगे ये थर्ड है ना हमारा दिस इज थर्ड अच्छा ये बहुत ज़रूरी होती है एक और चीज़ कि आ, जिस तरीके से नंबर आपके टेस्ट पेपर में क्वेश्चन पेपर में लिखे होते हैं आपको उसी फॉर्म में लिखने चाहिए अगर वो न्यूमरल्स हैं तो न्यूमरल्स लिखने चाहिए रोमन नंबर्स हैं तो रोमन नंबर लिखने चाहिए ठीक है आपको चेंज नहीं करना अगर ए बी सी डी के फॉर्म में लिखे गए हैं तो आपको ए बी सी डी के फॉर्म में लिखना चाहिए चेंज नहीं करना चाहिए अक्सर मैं देखता हूँ जब स्टूडेंट्स मुझे टेस्ट पेपर्स भेजते हैं अपना और मैं टेस्ट सॉल्व कर रहा होता हूँ तो क्वेश्चन पेपर में नंबर कुछ और होते हैं और उनके नंबर कुछ और होते हैं तो यहाँ पर एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है या फिर कभी कभी तो कुछ एग्जामिनर चेक ही नहीं करते वो कहते कि आपने ये सॉल्व ही नहीं किया है तो प्लीज कोशिश कीजिए कि कोशिश तो को करना ही करना है ये बातें तो कि अगर यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है जिस फॉर्म में लिखा हुआ है ठीक है उसी फॉर्म में आपको लिखना चाहिए आपके आंसर में भी तो अगर यहाँ पर रोमन थ्री लिखा हुआ है तो आपको वैसे ही लिखना चाहिए ठीक है तो नेट प्रॉफिट एज पर पी एन एल अकाउंट कितना गेवन था फोर्टी लाख फोर्टी लाख गेवन था इसमें से एडबैक कीजिएगा बुक्स, उसको एडबैक कर दीजिएगा कितना था ये ट्वेल्व पॉइंट टू लाख ट्वेंटी लाख सॉरी ट्वेल्व लाख ट्वेंटी थाउजेंड को एडबैक करिएगा अच्छा मैं यहां पर ही दिखा दूं लेस करते हुए लेस खींचेगा डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन थर्टी टू तो थर्टी टू के अकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन आप लोग लेस करेंगे जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं एक तो प्लांट मशीनरी के ऊपर इतना था और मोटर कार के ऊपर इतना था तो so, आप ये दोनों डेप्रीसिएशन लेस करेंगे दिस वुड बी ट्वेंटी टू लाख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर थर्टी एट को भी लेस करिएगा और साथ साथ में वन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड जो मोटर कार के ऊपर डेप्रीसिएशन था उसको भी लेस कीजिएगा ठीक है दिस इज ऑन प्लांट मशीनरी एंड दिस इज ऑन मोटर कार इसके बाद आपको नेक्स्ट है फोर्टी फाइव थाउजेंड डिस करेंगे आप लोग इंटरेस्ट एडबैक कर दीजिएगा टी डी एस नॉट डिडक्टेड शॉर्ट में लिखेंगे ठीक है और अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता तो भी आप ऐसे लिखते टीडीएस नॉट डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट अगर आपको सेक्शन याद है तो सेक्शन का नंबर कोट करें सेक्शन याद नहीं है तो कोट ना करें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में ठीक है आप एमसीक्यू में तो आप एमसीक्यू में तो फटाफट फटाफट -फड़, आप ऐसे भी कर सकते थे इनफैक्ट अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस होती तो आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा एमसीक्यू भी है ना तो आप अपने रफ में एटलीस्ट सिर्फ अमाउंट तो लिखें ये सब स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है बट अमाउंट तो लिखें बट अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आपको ये लिखना होगा टेरियर्स नॉट डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट अगर आपको सेक्शन याद है तो कोट करें नहीं है तो ना कोट करें तो वैसे 40 स्मॉल ए होता है और हम 30% डिस्अलाउ कर रहे हैं 150000 का 30% 45000 इसको ऐड कर देंगे आप लोग ठीक है और क्या था पैराग्राफ हो गया सेकेंड साइंटिफिक रिसर्च में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और डेप्रीसिएशन हम लोग कर चुके हैं बस इंटरेस्ट हमें जो कैपिटलाइज करना था जो हमने रेवेन्यू से चार्ज करा है, उसको अभी आप बैक कर लेंगे तो इसमें एड करेंगे इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज कितना अमाउंट था वो तीन महीने का हमने निकाला था ना ये रहा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसको भी आप एड बैक कर देंगे सॉरी फाइव हंड्रेड ठीक है और तो कुछ नहीं था ओके okay, और कुछ भी नहीं था चलिए तो हमारा आंसर आ जाता है आप लोग भी कैलकुलेट करें फोर्टी लाख प्लस ट्वेल्व लाख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी टू टू थ्री फोर थ्री एट माइनस वन सिक्सटी एट थाउजेंड प्लस फोर्टी फाइव प्लस सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड तो मेरा आ रहा है यहाँ पर ट्वेंटी नाइन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्सटी टू दिस इज माई पी जी बी पे इनकम ठीक है चेक कर लेते हैं ट्वेंटी नाइन थर्टी सिक्स जीरो सिक्सटी टू सो दिस इज ए ट्वेंटी नाइन थर्टी सिक्स जीरो सिक्सटी टू हमारा ए पोर्शन सही है ठीक है कर लिया सबने एक बार देख भी लीजिए मैंने यहां पे इस तरीके सॉल्व किए डन चलिए आगे आते हैं वट वुड बी द इनकम चार्जेबल अंडर दीजी हेड पीजीबीपी ऑफ मिस्टर कश्यप फॉर असेसमेंट ईयर इफ ही ईफ्ट फॉर सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी वन वन फाइव बी ए सी मतलब न्यू स्कीम तो अगर ये न्यू स्कीम में आते तो क्या इनका पी जी बी भी इनकम आती तो बहुत ईजी हो जाता न्यू स्कीम में देखो नेट प्रॉफिट सेम रहता डेप्रिसिएशन सेम रहता बट एक एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू स्कीम में नहीं मिलता है टी डी एस वाली बात सेम रहती है इंटरेस्ट टू बी कैपिटल सेम रहता बट सिर्फ हमें क्या करना था एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता उस केस में तो एडिशनल डिप्रिसिएटन था कितना वैसे फोर फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी ये अमाउंट हम क्लेम नहीं कर सकते थे न्यू स्कीम में तो मैं यहां पर ही सॉल्व कर दूंगा इसको न्यू स्कीम में तो ये तो पीजीबीपी आया एज पर नॉर्मल स्कीम ठीक है एज पर नॉर्मल हमने इसी को बेस बना कर ना न्यू न्यू स्कीम का भी ले लिया तो न्यू स्कीम में हम सिर्फ एड बैक करतेप्रीसिएशन एडिशनल डेप्रीसिएशन हम लोग एड बैक करते बिकॉज इट इज नॉट अलाउड अलाउड नहीं होता एडिशनलिएट वॉज फोर फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी एडबैक कर देते आप. 456, 250. तो 456, 250 कर तो इन दोनों को आप एड कर देते हैं प्लस फोर फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी दिस इज थर्टी थ्री लाख नाइन्टी टू थाउजेंड थ्री वन टू दिस पी जी बी पी आजादा न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग थर्टी थ्री नाइन्टी टू थ्री वन टू चेक कर लें थर्टी थ्री नाइन्टी टू थ्री वन टू थर्टी थ्री नाइन्टी टू थ्री वन टू हाँ जी ठीक है तो दिस वुड बी माय आंसर नंबर सी फोर्थ का सी आंसर हो गया है क्लियर हो गया ओके वट वुड बी फिफ्थ पॉइंट है वट वुड बी द ऑफ मिस्टर कश्यप दाइबिलिटी कश्यपेंट इवेंटी टू इन द मैनर मोस्ट बेनिफिशियल टू हेम अच्छा यहां पर हमसे क्या पूछा गया है? कि इनकी क्या टैक्स लाइबिलिटी होगी कि जो कि मोस्ट बेनिफिशियल मोस्ट बेनिफिशियल का मतलब हमसे पूछा गया है बिटवीन नॉर्मल स्कीम एंड न्यू स्कीम इनके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा ऑप्ट करना चलिए हम इनकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आएगी तो अगर न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग इनका पीजीबीपी इतना आया था तो इसके ऊपर कितना टैक्स आएगा एज पर सॉरी नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग इतना आया था तो नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग कितना टैक्स आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं स्लैब पीजीबीपी इनकम भी इनका में स्लाब रेट लगेंगे और न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा तो यहां पर भी स्लैब रेट्स हैं बट वो हमारे नई स्कीम वाले वो टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव वाले जल्दी से कैलकुलेट कर लें इसको तो इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा एस पर नॉर्मल स्कीम ठीक है दस लाख से इनकम ज्यादा है दस लाख से इनकम ज्यादा है ठीक है थर्टी परसेंट भी जाने वाला है ठीक है एक बार मैं आपको बता देता हूं वैसे तो आपको एक शॉर्टकट भी पता होगा कि शुरू के दस लाख तक तो हमारी कितना टैक्स आता है और दस लाख से ऊपर थर्टी परसेंट आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं बट मैं अभी नॉर्मल कैलकुलेट करूंगा अच्छा एक बार देख लें इनकी कोई एज वगैरह तो नहीं ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है कि ये सीनियर सिटीजन वगैरह है ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो इनके ऊपर टू लाख का ही स्लैब लगाइएगा नॉर्मली आप रहेंगे तो इस तरीके से हम लोग करेंगे फर्स्ट टू पॉइंट फाइव लाख पर तो आएगा फाइव परसेंट नेक्स्ट फाइव लाख तक आता है ट्वेंटी परसेंट और नेक्स्ट आ जाएगा नाइनटीन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्सटी टू के ऊपर आ जाएगा अगर आप राउंड ऑफ भी करना चाहें इनकम को तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं बट मैं अभी नॉर्मली निकाल देता हूँ नाइन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्सटी टू के ऊपर थर्टी परसेंट ठीक है वैसे अच्छा रहेगा वैसे इसको राउंड ऑफ ही कर लीजिए है ना ठीक है इसको राउंड ऑफ ही कर देते हैं ट्वेंटी नाइन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्सटी के ऊपर टैक्स निकाल रहे हैं सरचार्ज चार्ज नहीं आएगा सरचार्ज चार्ज कब आएगा अगर पचास लाख से ऊपर इनकम होती है तब तो सब लाख से 1 करोड़ भी आप रिवाइज कर लीजिएगा ठीक है इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में आ जाता है उसके बारे में तो टू लाख पर नॉइंट फाइव पर फाइव परसेंट ट्वेल्व लाख के ऊपर फाइव लाख के लाख और नाइनटीन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्स जीरो नाइनटीन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्स जीरो के ऊपर थर्टी परसेंट ये आ जाएगा फाइव लाख एट्टी थाउजेंड एट वन एट ठीक है टोटल कर लीजिएगा सिक्स लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड थ्री वन एट प्लस फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ठीक है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेवन आप लोग भी कैलकुलेट करते रहिएगा साथ साथ में दिस इज सेवन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड जीरो फाइव जीरो पॉइंट सेवन आ रहा है और हमें राउंड ऑफ करना होता है नियरस्ट टेन पर तो सेवन ट्वेंटी वन जीरो फाइव जीरो आ रहा है ये आ रहा है टैक्स लाइबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजन एज पर नॉर्मल ठीक है चलिए अब एज पर देख लेते हैं न्यू स्कीम कितना आएगा न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग इसके ऊपर अच्छा न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग होता है फर्स्ट टू पॉइंट फाइव अच्छा मैं एक बार शॉर्टकट बता देता हूँ आपको वैसे तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें पता होंगी ठीक है अगर असेसी सीनियर सिटीजन नहीं है यानी कि वो 2.5 लाख का उसके ऊपर स्लाब रेट लगता है तो आपको पता है कि फर्स्ट 10 लाख पर तो टैक्स आ जाता है एक लाख बारह हज़ार पाँच सौ तो ये बात आपको आप चार पांच क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये बात याद भी हो जाती है एक लाख बारह हज़ार पाँच सौ तो फर्स्ट टेन लाख तक और ये मैं कैसे बोल रहा हूँ दस लाख शुरू के जैसे देखिए टू पॉइंट ये हो गया शुरू के दस लाख तक शुरू के दस लाख तक टैक्स अगर आप देख लेंगे तो एक लाख बारह हजार पाँच सौ होता है ठीक है हाँ अगर वो सीनियर सिटीजन होता है या सुपर सीनियर सिटीजन होता है तो बातें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं बट नॉर्मल लोगों के लिए आप याद कर सकते हैं कि शुरू के दस लाख तक तो एक लाख बारह हजार पाँच सौ और दस लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होती है उसके ऊपर सीधा थर्टी होता है तो मैं नॉर्मली स्टूडेंट से क्या बोलते हूँ इसके दो पार्ट कर लिए अगर ये दस लाख से ऊपर है तो इसके दो पार्ट कीजिए तो दस लाख को अलग कीजिए और बाकी का अमाउंट जो एक्सेस है दस लाख का यानी कि नाइनटीन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्सटी टू या राउंड ऑफ करें तो जीरो सिक्सटी उसके ऊपर सीधा थर्टी परसेंट कैलकुलेट करिए तो ये बातें हम कैलकुलेटर पर ही कर सकते हैं तो सीधा सीधा पहले इसमें से टेन लाख माइनस कर दे टेन लाख माइनस करना आप दिमाग में कर सकते हैं पहली बात तो टेन लाख माइनस करेंगे तो आ जाएगा नाइनटीन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड कैलकुलेटर पर टाइप करते रहिए नाइनटीन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्सटी टू इसके ऊपर आप थर्टी परसेंट कैलकुलेट कर दीजिए ठीक है फाइव एट जीरो बारह हजार पांच सौ ठीक है तो आपको सीधा सीधा देगा, इसके ऊपर फोर परसेंट तो आपको मिल जाएगा सेवन टू वन जीरो फिगर मिलेगी आपको कैलकुलेटर पर ठीक है चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमारा न्यू स्कीम में क्या होगा तो न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग पीजीबीपी आया थर्टी थ्री लाख टू थाउजेंड थ्री वन टू और आपकी नॉर्मल इनकम के ऊपर शुरू के 2.5 लाख तक नेल, नेक्स्ट 2.5 तक 5 परसेंट नेक्स्ट 2.5 10, 15, 20, 25 फिर 15 लाख से ऊपर जितना भी इनकम आती है उसके ऊपर 30 परसेंट टैक्स रेट जाता है देख लें एक बार फर्स्ट 2.5 लाख पर नेल नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5 परसेंट फिर 2.5 लाख पर 10 परसेंट फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पर 15 नेक्स्ट 2.5 लाख पर 20 परसेंट नेक्स्ट 2.5 लाख पर 25 अब ये हमारे 15 लाख हो चुके हैं ठीक है 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 15 लाख हो चुके हैं 15 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट है ठीक है कितना अमाउंट बन रहा है 33 लाख नाइन्टी माइनस 15 लाख तो दिस इज एटीन लाख नाइंटी टू थाउजेंड थ्री वन टू के ऊपर या फिर अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो थ्री वन जीरो कर सकता हूं इसको यहां पर ही ठीक है राउंड ऑफ समझ अब लोग समझ रहे हैं ना मैं टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर रहा हूं तो इसके ऊपर थर्टी परसेंट आएगा इसके ऊपर थर्टी परसेंट तो बनता है फाइव सिक्स फाइव लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड सिक्स नाइन थ्री पॉइंट सिक्स ओके okay. इसके ऊपर ज़ीरो यहाँ पर साढ़े बारह हज़ार यहाँ पर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यहाँ पर थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है फिफ्टीन परसेंट यहाँ पर आएगा आपका पचास हजार फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर ट्वेंटी फाइव परसेंट सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही टैक्स आ रहा है न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग तो चलिए ऐड करें जीरो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी और इसके ऊपर फोर परसेंट सेस ऐड कर दीजिएगा सबको पहले तो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड प्लस सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस फाइव लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड सिक्स और इसके ऊपर हम लोग सेस भी ऐड कर लें ठीक है इसके ऊपर मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा सेस। तो ये आ रहा है मेरे पास सेवन लाख टोटल आ रहा है इन सबका टोटल प्लस फोर परसेंट सेस ऐड करके सेवन लाख एट्टी फाइव थाउजेंड फोर जीरो करेंगे तो फोर हंड्रेड आ जाएगा तो यहां से तो मेरा ज्यादा टैक्स लग रहा है ठीक है यहां से तो ये ये ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो है, तो तो ठीक नहीं रहेगा। एज पर मोस्ट बेनिफिशियल ओल्ड स्कीम ठीक पेबल आ रहा है तो हमारा जो फर्स्ट केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू था तो उसके पांचों हमने

इनकम टैक्स लाइब्रेरी कंप्यूट करने का क्वेश्चन आ जाता है तो सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा तो आई बिलीव ये इसी तरह का क्वेश्चन है दैट मिस्टर हैश व्हाट वुड बी द टैक्स लाइब्रेरी हाँ जी टैक्स लाइब्रेरी हमसे निकलवा रहे हैं और इन्होंने वन वन फाइव बी ए ऑप्ट नहीं करा यानी कि एज पर नॉर्मल स्कीम एग्जिस्टिंग ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से हमें यहाँ पर टैक्स लाइब्रेरी निकालनी होगी चलिए ठीक है आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन है

टेन परसेंट का टैक्स रेट रहता है और एक बात और इंपॉर्टेंट आपको जिसके ऊपर आप तो से वन लाख ,00 रुपीज को माइनस करते हैं टेन परसेंट और इनकी अदर इनकम आती है टोटल तो इनकम तो आ रही है थ्री ट्वेंटी लाख जिसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना है और अदर इनकम टैक्स लाइबिलिटी चलिए एक बार देख लेते हैं टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी uh, हमें दिया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है फिफ्टी सेवन लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है फिफ्टी सेवन लाख और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए वाला ये तो वन वन टू वाला था नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्वेंटी परसेंट से टैक्स जाता है वन वन टू ए वाला अमाउंट दिया गया है हमें सिक्सटी फाइव लाख और इनकी अदर इनकम अदर इनकम है मतलब नॉर्मल इनकम है रेट लगाएंगे उसके ऊपर तो अदर इनकम दी गई है 198 लाख देख लेते हैं टोटल 320 आना चाहिए ना जितना हमें क्वेश्चन में गिवन है 57 सेवन प्लस सिक्सटी लाख प्लस 198 नाइन्टी हां जी 320 लाख की हमारे पास टोटल इनकम है ठीक है अब आप लोग जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कि सीधा थ्री ट्वेंटी लाख के ऊपर हम स्लाब रेट लगा देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल टेन परसेंट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे बट वन लाख रुपीज माइनस करने के बाद यानी कि यहां पर हम लोग लेने वाले हैं इसमें से वन लाख रुपीज माइनस करेंगे इसका मतलब सिक्सटी फोर लाख के ऊपर आप लोग टेन परसेंट का टैक्स रेट लगा दीजिएगा और वन नाइन एट लाख के ऊपर हम स्लैब रेट्स लगाने वाले हैं स्लैब रेट्स लगाने वाले हैं वो भी कौन सा स्लैब रेट थ्री लाख वाले बिकॉज ही इज सिर्फ सीनियर सिटीजन से होने से भी काम नहीं चलता अगर ये नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होते फिर तो टू लाख का स्लैब रेट लगता है बिकॉज नाउ ही इज अ रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन तो थ्री लाख वाला स्लैब रेट लगेगा तो यहां पर स्लैब रेट लगाएंगे वो भी थ्री लाख वाला स्लैब रेट लगेगा ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छा दूसरी बात इनकी इनकम तो के ऊपर तो सर चार्ज भी लगने वाला है ठीक है इनकी इनकम तो थ्री करोड़ थ्री पॉइंट टू करोड़ से मतलब थ्री ट्वेंटी लाख है तो सर चार्ज भी आने वाला है चलिए सर चार्ज की बात एक मिनट बाद कर ले, बात कर लेते हैं पहले जल्दी से टैक्स कैलकुलेट कर दे नॉर्मल टैक्स फिफ्टी तो सेवन लाख के ऊपर तो ट्वेंटी परसेंट फिफ्टी सेवन लाख के ऊपर ट्वेंटी परसेंट आप लगाएंगे तो दिस इज यहां पर टैक्स आने वाला है इलेवन लाख फोर्टी थाउजेंड का ठीक है यहां पर आने वाला है 64 लाख ,00 के ऊपर 10 परसेंट तो डायरेक्ट आ जाएगा 6 लाख फोर्टी थाउजेंड और अब यहां पर आप स्लैब रेट लगाएंगे अब स्लैब रेट 3 लाख ,00 वाला लगाएंगे 198 लाख ,00 पर तो 198 फर्स्ट 3 लाख ,00 पर तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाब करता है थ्री लाख ,00 से लेकर फाइव लाख मतलब नेक्स्ट टू लाख के ऊपर नेक्स्ट लाख के ऊपर ठीक है और जो रिमेनिंग होगा उसके ऊपर थर्टी परसेंट यानी कि रिमेनिंग होगा वन नाइनटी एट में से ये शुरू के दस लाख तो चले गए ना शुरू के दस लाख चले गए तो आएगा वन एटी एट लाख के ऊपर तो नेक्स्ट वन एटी एट लाख के ऊपर थर्टी परसेंट रेट लगा देंगे आप तो इसके ऊपर तो जीरो टू लाख के ऊपर फाइव परसेंट आएगा टेन थाउजेंड रुपीज फाइव लाख के ऊपर ट्वेंटी परसेंट वन लाख रुपीज और वन लाख वन एटी एट एत लाख के ऊपर थर्टी परसेंट आने वाला है फिफ्टी सिक्स लाख फोर्टी थाउजेंड गॉट थाउजेंडिस टोटल तो तो हमारे पास आ जाता है फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव फिफ्टी सेवन लाख, लाख, थाउजेंड एक बार मैं चेक कर लेता थाउजेंड हाँ जी फिफ्टी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड का हमारा नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स आ गया है फिफ्टी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये टोटल हमारा जो टैक्स आ गया है प्लस इसमें सिक्स फोर्टी प्लस ये सब ऐड कर देंगे ठीक है तीनों एड करेंटी थाउजेंड सेवेंटी फाइव लाख थर्टी थाउजेंड हमारा टैक्स आ गया है ठीक है इलेवन पॉइंट फोर प्लस सिक्स पॉइंट फोर करते हैं ना जब आप एग्जामिनेशन में करते हैं तो बार बार हमें कैलकुलेशन एक बार वेरीफाई uh, करनी पड़ती है हम दो दो बार कैलकुलेशन करके देखते हैं कहीं गलती ना हो जाए तो एग्जाम में तो अक्सर ऐसा ही होता है तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था आपके साथ भी आई बिलीव ऐसा ही होता होगा सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री लाख ठीक है टैक्स हमारा सेवेंटी फाइव लाख पॉइंट थ्री लाख आ गया अब इसमें पहले सेस ऐड करें या पहले सर चार्ज तो सबसे पहले सर चार्ज ऐड होता है तो पहले सर चार्ज ऐड करेंगे और फिर टोटल करेंगे इसका अमाउंट का और सर चार्ज के अमाउंट का फिर उसके ऊपर हम फोर परसेंट सेस लगाएंगे चलिए इस पर सर चार्ज भी ले लेते हैं इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं अच्छा सरचार्ज पता है ना आपको सरचार्ज कितना होता है अगर 50 लाख ,00 से ज्यादा की इनकम होती है तो उसके ऊपर सरचार्ज लगता है तो 50 लाख ,00 से ज्यादा की जब इनकम होती है अप अपटू रुपीजन करोड़ तो टेन परसेंट सर होता है ठीक है एक करोड़ से दो करोड़ एक करोड़ से ऊपर इनकम अप टू तो तो करोड़ तक तो ठीक है टू करोड़ तक हमारा सरचार्ज चार्ज फिफ्टीन रहता है फिर दो करोड़ से ऊपर जाते हैं अप टू तो फाइव करोड़ तक तो हमारा सर चार्ज ट्वेंटी फाइव परसेंट हो जाता है यहाँ पर हम ट्वेंटी फाइव परसेंट वाले में आएंगे बिकॉज हमारा टोटल इनकम यहाँ पर आ रही है दो करोड़ से पाँच करोड़ के बीच में अच्छा पांच करोड़ से ऊपर का टैक्स सर चार्ज का रेट क्या होता है थर्टी सेवन परसेंट बिलीव ये सर चार्ज के रेट्स आपको पता है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है ये जो जब पाँच करोड़ से ऊपर थर्टी सेवन परसेंट है ये जो लास्ट के दो फिगर्स है ना ट्वेंटी फाइव परसेंट और थर्टी सेवन परसेंट वाले यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी इनकम है लाइक ये आपको के चैप्टर में हमने डिस्कस की थी आप लोगों ने भी किया होगा सबने आ, अगर हमारे पास इनकम है की या फिर ट्रिपल वन ए की या वन वन टू ए की दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ की इनकम वन वन और ट्रिपल वन ए की इनकम है उसके ऊपर हम मैक्सिमम फिफ्टीन परसेंट लेते हैं फिफ्टीन परसेंट से ऊपर नहीं चाहता है ठीक है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख भी दिया आपके रेफरेंस के लिए सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिखा है जिससे कि आपका वो रिवाइज हो जाए सरचार्ज के कॉन्सेप्ट यहाँ पे रेट ऑफ सरचार्ज चार्ज फॉर इंडिविजुअुअल एच यू एफ एपी बी ओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जुडेडिकल पर्सन के लिए हमारे रेट ऑफ सरचार्ज होते हैं टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव और थर्टी सेवन टेन और फिफ्टीन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हमें बट जब हम दो करोड़ से ऊपर जाते हैं हम अपनी इनकम तो दो करोड़ से पाँच करोड़ के बीच में हमारी इनकम देखनी है एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग डिविडेंट ट्रिपल वन ए और वन वन टू ए यहाँ पे सिर्फ वन वन टू नहीं है यहाँ पे सिर्फ वन वन टू ए है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अगर नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसको तो ट्वेंटी बट अगर वन वन टू ए वाला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो उसके ऊपर ही लेना होता है तो हम यहां पर जब दो करोड़ से पांच करोड़ देखते हैं तो हम वो तीनों इनकम एक्सक्लूड कर देते हैं तीन इनकम कौन कौन सी डिविडेंड की ट्रिपल वन ए और वन वन टू ए उसको एक्सक्लूड करके देखते हैं कि अगर दो करोड़ से पांच करोड़ के बीच में अगर हमारी इनकम आ रही है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट टैक्स लगेगा और हमारी जो इनकम हमने एक्सक्लूड करी है डिविडेंड दोबारा से रिपीट कर रहा हूं डिविडेंड ट्रिपल वन ए और वन वन टू ए उसके ऊपर 15 परसेंट ही लेते हैं टैक्स रेट और सिमिलरली यहां पर होता है अगर पांच करोड़ से ऊपर की हमारी इनकम होती है एक्सक्लूडिंग तीन इनकम डिविडेंड ट्रिपल वन ए वन वन टू ए एक्सक्लूडिंग अगर उससे भी पांच करोड़ से ऊपर जा रही है तो 37 सेवन का सरचार्ज का रेट लगेगा और जो बाकी इनकम हमने एक्सक्लूड करी है डिविडेंड ट्रिपल वन ए और वन वन टू ए उसके ऊपर तो फिफ्टीन परसेंट ही रहता है हम इसको ऐसा बोलते हैं कि हम कभी भी अपने डिविडेंड की इन, इनकम के ऊपर या ट्रिपल वन ए या वन वन टू ए की इनकम के ऊपर सरचार्ज का रेट लगा रहा हूं तो कभी भी फिफ्टीन परसेंट से ऊपर नहीं लगाते हैं तो आई बिलीव ये बात आपको समझ में आ गई है जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हम कहाँ पर फॉल कर रहे हैं तो अभी वन वन टू ए इनकम को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए ठीक है और बाकी इनकम देखिए कितनी आ रही है 198 लाख ,00, प्लस 57 लाख तो ऐड करिए जरा 198 लाख ,00, प्लस 50 198 प्लस 57 ये आ रहा है हमारा इन दोनों को ऐड करके देखिए वो आ रहा है 2.55 करोड़ या 255 लाख ऐसा बोल सकता हूँ 2.55 करोड़ तो हम लोग कहाँ पर फॉल कर, कर रहे हैं 25 वाले ब्रैकेट में हम फॉल कर रहे हैं ये देख लीजिए एक्सक्लूडिंग डिविडेंड तो यहाँ पर नहीं था ट्रिपल वन ए नहीं था बट वन वन टू ए था तो हमने वन वन टू के ए के एक्सक्लूड करके अपनी इनकम देखी तो हमारी इनकम आ रही थी दो करोड़ से ऊपर टू पॉइंट फाइव फाइव करोड़ आ रही थी यानी कि हम इस ब्रैकेट में आ रहे हैं तो इसका मतलब बाकी की इनकम के ऊपर जब हम टैक्स सरचार्ज लगाएंगे तो ट्वेंटी फाइव परसेंट का रेट लगेगा और जब हम वन वन टू ए ट्रिपल वन ए और डिविडेंड तो नहीं है यहां पर बट हाँ वन वन टू ए है उसके ऊपर जब सरचार्ज का रेट लगेगा तो वो फिफ्टीन परसेंट लगेगा तो यहां पर हमारा सर्च आने वाला है यानी कि हमारी इन दोनों के ऊपर ये हमारी इन दोनों इनकम के ऊपर तो हमारा ट्वेंटी फाइव परसेंट का सर आने वाला है और इसके ऊपर हमारा सर्चार्ज का रेट आने वाला है फिफ्टीन परसेंट का ठीक है क्लियर है ये बातें तो प्लस सर्चार्ज कर दें इसमें ऐड तो इलेवन लाख फोर्टी प्लस फिफ्टी लाख फिफ्टी ठीक है हमेशा इनकम के ऊपर आ जाता है टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर तो ये हमारा टैक्स है इनकम तो ये थी हमारी इनकम के ऊपर तो हम नॉर्मल टैक्स निकालते हैं और जो नॉर्मल टैक्स आता है उसके ऊपर सर चार्ज एक्स्ट्रा टैक्स ठीक है तो इसके ऊपर हम दोनों के ऊपर ट्वेंटी टैक्स का सर रेट आएगा और हमारा सिक्स लाख फोर्टी थाउजेंड के ऊपर आने वाला है टेन सॉरी फिफ्टीन परसेंट का सर चार्ज का रेट फिफ्टीन कितना हुआ ये इलेवन लाख फोर्टी थाउजेंड प्लस फिफ्टी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड यू हैव टू कैलकुलेट ट्वेंटी फाइव परसेंट तो दिस इज सेवेंटीन लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इस अमाउंट के ऊपर और सिक्स लाख फोर्टी थाउजेंड के ऊपर फिफ्टीन परसेंट नाइनटी सिक्स थाउजेंड चलिए ये दोनों हमारा सरचार्ज चार्ज आ गया अब आप लोग क्या करना है अपना टैक्स का अमाउंट प्लस सरचार्ज चार्ज का अमाउंट इन सबको ऐड कर लेना है उसके ऊपर ऐड करने के बाद देन यू हैव टू कैलकुलेट योर सेस सेवेंटीन लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं इस मॉक टेस्ट पेपर में आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए और I believe आप लोग मेरे साथ कर भी रहे थ्री लाख फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब इसके ऊपर फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दें फोर परसेंट थ्री सेवेंटी थ्री नाइन फोर्टी एड कर दें इसमेंटी टू थाउजेंड फोर फोर्टी ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है तो दिस इज आर टैक्स लाइबिलिटी नाइनटी सेवन ट्वेंटी टू फोर फोर्टी चेक कर लें कौन सा ऑप्शन है हमारा नाइन्टी सेवन ट्वेंटी टू फोर फोर्टी इज माई डी ऑप्शन तो इसका आंसर हमारा डी आ जाता है ठीक है आई बिलीव सबने कर लिया होगा ये एक बार देख लीजिए ठीक है यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी किया है आप यहाँ पर भी एक बार अगर आपको जरूरत पड़े तो यहाँ पर पॉज कर लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं ओके हैंक्स्ट एम सी क्यू नंबर थ्री इट सेज मिस्टर कुमार एज सिक्सटी टू ईयर्स रेसीडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगेन सिक्सटी टू ईयर्स के रेट लगाएंगे सीनियर सिटीजन थ्री लाख वाला लगेगा रेसिडेंट है इज अ रिटायर्ड एम्प्लॉय विद्थली पेंशन ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड मंथली पेंशन इनकी खुद की पेंशन आती है कौन से हेड की इनकम होती है आई एफ ओ एस सैलरी बिकॉज अगर एम्प्लॉय को एक्स एम्प्लॉय को मिलती है तो सैलरी अगर फैमिली मेंबर्स को मिलती है तो आई एफ ओ एस तो फिफ्टीन थाउजेंड इनकी सैलरी इनकम होती है पर मंथ की ही हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम ठीक है सिर्फ पंद्रह हजार की पर मंथ की इनकी इनकम है मंथली लिखा हुआ है फिफ्टीन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व वन लाख एटी थाउजेंड इनकी इनकम हो जाती है ग्रॉस सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन दीजिएगा इनकी पेंशन है सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी सेक्शन सिक्सटीन की डिडक्शन भी मिल मिलेगी पचास हजार की ठीक no है एक लाख तीस हजार इनकी सैलरी इनकम बनेगी ही हैज़ नो अदर इनकम ठीक है ही हैज अ हाउस प्रॉपर ही हैज अ हाउस प्रॉपर्टी इन भटिंडा एंड हिज ओनली सन इज लिविंग इन लंडन इनकी एक ही प्रॉपर्टी है ठीक है सेल्फ ऑक्युपाइड ही होगी खुद की प्रॉपर्टी है भटिंडा में ठीक है सेल्फ ऑक्युपाइड की तो एन ए आप निल मानते हो

एक ही हाउस प्रॉपर्टी थी जो भी इनकी सेल्फ ऑक्यूपेटी मानेंगे भटिंडा में एक ही प्रॉपर्टी है बट ही इंडिया तो हम इसके बारे में जानते हैं सेक्शन वन थर्टी नाइन वन जो हमारा कंपल्सरी फाइलिंग याद आता है आपको सेक्शन वन थर्टी नाइन वन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं चाहूंगा कि आपको ये नंबर के साथ याद होना चाहिए तो कुछ कंडीशन है कि Assessi को अपनी रिटर्न फाइल कब करनी चाहिए तो हम इनके बारे में जानते हैं कि अगर किसी के पास भी इंडिविजुअल के पास ऑल्दो चाहे उसकी बेसिक लिमिट से इनकम ज़्यादा हो या ना हो बट अगर उसके पास लोकेटेड आउटसाइड इंडिया अगर उसके पास कोई सिग्नेटरी है उसके पास कोई बैंक अकाउंट है तो उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है तो वेदर ही आंसर इज यस ठीक है यस yes, तो तो no नो वाले आंसर तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे सी वाला आंसर भी सही नहीं है क्योंकि वहां पर लिखा हुआ ही रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम एज इज इनकम एक्सीड बेसिक एक्सम्शन लिमिट ये भी गलत है इनकी इनकम तो बेसिक एक्सम्पन लिमिट से ऊपर नहीं है बट फिर भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है बिकॉज ही हैज फॉरन असेट तो फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ही इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम एज ही इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया एंड हैज हैजेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो अगर आपके पास आप एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है देखो अगर आप नॉन रेसिडेंट होते तो आपकी तो आउटसाइड इंडिया होते ही है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये सेक्शन स्पेसिफिकली कहते हैं कि अगर आप एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और उसके बाद भी अगर आपके पास फॉरन असेट्स सपोज टू फाइल योर इनकम ठीक है कंपल्सरी हो जाएगा द आंसर इज ए ओवर हेयर ठीक है ठीक है ये तो क्लियर कट था चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं लिखा हुआ है व्हेन डिसाइडिंग लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डिडक्ट टैक्स ऑन पेमेंट ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमेटीरियल ओके हमें ए बी सी और डी चार पॉइंट्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया कि कौन सा पॉइंट रिलेवेंट नहीं होता विच इज इमेटीरियल ठीक है मतलब आप टी डी एस रिडक्ट करें उसके ऊपर ना करें कौन सा पॉइंट इनरेलीवेंट होता है अच्छा पेमेंट फॉर प्रोफेशनल फीस आपको सेक्शन याद आता है अगर नंबर याद नहीं आता है अगर आपको वैसे तो नंबर मैं आपको आपको बता दूं 194 जे होता है ठीक है ठीक है टेक्निकल सर्विसेज प्रोफेशनल सर्विसेज डायरेक्टर को पैसे देते हैं रॉयल्टी के देते हैं नॉन कॉम्पिटिंग फीस ये सारी बातें 194 जे में आती हैं और प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर आप टी डी डिडक्ट करते हैं अगर उसका अमाउंट थर्टी थाउजेंड से ऊपर का अगर आपने दे दिया तो टीडीएस डिडक्ट होता है तो अमाउंट प्रोफेशनल है या नहीं है 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 बिल्कुल ठीक अगर आपने दिए टीडीएस तो नहीं, नहीं, तो नहीं होता थर्टी थाउजेंड से ज्यादा तो 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 नहीं होगा रिलेवेंट तो है तो दिस इज नॉट इमेटीरियल रिलेवेंट है टर्न ओवर द फाइनेंशियल ईयर

आपके ऊपर के आ जाते हैं तो क्या आपका लास्ट का मटेरियल है? आंसर नहीं होगा टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल इज मेड करंट ईयर का टर्नओवर रेलेवेंट होता है क्या नहीं करंट ईयर का हमारा टर्नओवर रेलेवेंट नहीं होता हम अपना टीडीएस लगाने के लिए लास्ट ईयर का टर्न देखते हैं इंडिविजुअल एच यू एफ है वो लास्ट ईयर का टर्न ओवर देखता है कि अगर मेरा लास्ट ईयर का टर्न ओवर ठीक है वो वन करोड़ वाली लिमिट से ऊपर था या प्रोफेशन है तो फिफ्टी लाख रुपीज से ऊपर था तब हमारे ऊपर टीडीएस के प्रोविजन आ जाते हैं तो यहाँ पर करंट ईयर का टर्न ओवर रिलेवेंट नहीं होता दिस इज नॉट रिलेवेंट तो ये हमारा आंसर हो सकता है अमाउंट ऑफ द फीस ये तो अमाउंट ऑफ द फीस हमने देखा थर्टी थाउजेंड से ऊपर जा रहा है तो टीडीएस डिडक्ट होता है ये भी रिलेवेंट होता है तो आंसर आ जाएगा आंसर इज सी ओवर हेयर करंट ईयर का टर्न ओवर रेलिवेंट नहीं होता ठीक है जे था आप रिवाइज भी कर लीजिएगा जे को ठीक है इंपॉर्टेंट सेक्शन टी में कुछ इंपॉर्टेंट जिसमें से जे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है ऑल दो काफी सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है बट वन नाइंटी फोर जे भी उसी कैटेगरी में है इंपॉर्टेंट है फिफ्थ एमसी मिस्टर आशुतोष परचेस्ड हिज फर्स्ट ड्रीम होम इन बेंगलोर पहली बार इन्होंने घर खरीदा है बेंगलूर में ऑन 16 8 2020 ठीक है ही अप्लाइड फॉर अ होम लोन फॉर 40 लाख फ्रॉम आईडीएफसी बैंक ऑन 15 7 2020 को इन्होंने लोन अप्लाई करा और वो सेंक्शन हो गया 27 2020 वो मुझे पता चल गया कि ये सेक्शन किस तरफ ये फिडिल क्वेश्चन किस तरफ इशारा कर रहा है एक सेक्शन आता है हमारे पास 80 ई ई ए ये उस तरफ इशारा कर रहा है कुछ-कुछ एटी ई -E ये क्या कहते हैं कि अगर आपका लोन सेंक्शन हुआ हो बिटवीन वन फोर नाइनटीन से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन के बीच में ऑल दो अमेंडमेंट आ गई है अब बट वो अमेंडमेंट को अब ये ट्वेंटी ट्वेंटी टू कर दिया गया है बट ये अमेंडमेंट अब uh, 2022 ट्वेंटी के लिए इंपॉर्टेंट है फाइनेंस एक्ट 2021 ट्वेंटी वन ने इसको अमेंड करा है बट आपके लिए आपने फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी पढ़ा है ठीक है फॉर योर ट्वेंटी वग्जामीशन आपके लिए तो ट्वेंटी वन भी होगा बट ये मैं आपको बता दूँ इस सेक्शन में अमेंडमेंट भी आ गई है अब ये एक साल और एक्सटेंड हो गया खैर कुल मिलाकर होता क्या है कि अगर हमारा वन फोर ट्वेंटी नाइनटीन से लेकर अमेंडमेंट से पहले की बातें कर रहा हूँ मैं जो आपने पढ़ा होगा थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन के बीच में अगर लोन हमारा सेंक्शन हुआ है ठीक है अमेंडमेंट क्या है अमेंडमेंट है ठीक है ये अमेंडमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स देंगे 2022 में वहां पर ये एक साल और बढ़ा दिया गया है इसके बीच में अगर आपका लोन सेक्शन हुआ है आपकी प्रॉपर्टी की स्टेम वैल्यू 45 लाख रुपीज से ज्यादा की नहीं है यहाँ पर कितना गिवन है 44 लाख यानी कि ये हमारे ई में सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इनको जो भी इंटरेस्ट ये जाता है ठीक है जितना भी इंटरेस्ट इसके ऊपर होता है होम लोन के ऊपर होम लोन किससे लिया हो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो किसी बैंक से लिया हो एनबीएफसी से, से ना लिया हो ठीक एनबीएफसी से नहीं लिया तो यहां पर आईडीएफसी बैंक से लिया गया तो बैंक है ये भी तो यहां पर बैंक से लिया गया है एनबीएफसी नहीं था तो ये e -E में आ जाते हैं तो इनको इंटरेस्ट के पोर्शन की वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक की डिडक्शन मिल जाती है ठीक है

बी में जब ये हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो वहां पर दो लाख की रिडक्शन मिल जाएगी और ए -E -E -A में इनको 1.5 लाख की रिडक्शन मिल जाएगी तो टोटल ये 3.5 लाख की रिडक्शन तो ले सकते हैं ठीक है ड्यू टू लिक्विडिटी इशू मिस्टर ए ओनली पे 326 इन्होंने एक्चुअली 326 पे करा है दैट इज नॉट रेलेवेंट ठीक है 375 को ही बेस मानेंगे बट थ्री फिफ्टी तक से मैक्सिमम नहीं नहीं, मिल सकती e -E में डेढ़ लाख लाख और ट्वेंटी फोर बी में टू लाख कंप्यूट द टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन तो इंटरेस्ट के लिए कितनी डिडक्शन मिल जाएगी ट्वेंटी फोर बी टू लाख और ई ए वन पॉइंट फाइव लाख तो आंसर हमारा आ जाएगा डी दिस इज माई करेक्ट आंसर ठीक है ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन था सिक्स मिस्टर विशाल स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी इनका खुद का सोल प्रोप्राइटर है ईयर नाइनटीन ट्वेंटी लास्ट ईयर इनका लॉस हो गया था वन लाख रुपीज का तो इनकी कैपिटल थी ओपनिंग कैपिटल थी पांच लाख लास्ट ईयर की ठीक है हम लोग बातें कर रहे हैं प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए ठीक है और ये क्वेश्चन अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है नाइनटीन ट्वेंटी की मतलब लास्ट ईयर की तो लास्ट ईयर इनकी पांच लाख की कैपिटल थी एक लाख का इनका लॉस हो चुका था यानी कि इनकी कैपिटल सिर्फ फोर लाख की रह गई होगी टू ओवरकम द दल पोजिशन चार्ट अकाउंटेंट गिव एन अ गिफ्ट गि फोर लाख ऑन वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी साल के शुरू में ही ठीक है जब ये वाला प्रीवियस ईयर हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी वन शुरू हुआ तो उसके फर्स्ट डे ही इनके स्पाउस ने इनको फोर लाख रुपीज

तो व्हाट इज द अमाउंट टू बी क्लब्ड इन हैंड्स ऑफ मिसेस कामिनी ठीक है इस तरह के क्वेश्चन होते हैं सिंपल क्वेश्चन हैं ये कितना अमाउंट मिसेस कामिनी के हाथों में क्लब हो जाएगा ठीक है आप जो जानते होंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी क्लब्ड इन हैंड्स ऑफ स्पाउस स्पाउस के हाथों में कितना प्रॉफिट का पोर्शन क्लब हो जाता है इज इक्वल टू सबसे पहले देखते हैं कि इस साल कितना प्रॉफिट अर्न किया गया प्रॉफिट अर्न कितना प्रॉफिट अर्न किया गया और इसको प्रोपोर्शनेट कर देते हैं कि स्पाउस की कैपिटल कितनी थी और टोटल बिजनेस में कितनी कैपिटल थी बट जब भी ये कैपिटल देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं सिर्फ ऐसा लिखते हैं स्पाउस की कैपिटल अपन टोटल कैपिटल उसके साथ साथ आपको लिखना चाहिए कि की कैपिटल ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर तो हम लोग प्रीवियस ईयर की बातें कर रहे हैं 2021 के लिए फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर कितना फर्स्ट एप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है इसका फर्स्ट डे होगा फर्स्ट अप्रैल 2020 को स्पाउस की कैपिटल कितनी थी और टोटल बिजनेस की कैपिटल कितनी थी हम ओपनिंग कैपिटल देखते हैं याद होगा आपको ये बातें तो यहां पर हम देखते हैं कि स्पाउस ने कितना इन्वेस्ट किया था एजॉन वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी को ओपनिंग कैपिटल ठीक है वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी को डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस टोटल कैपिटल ऑफ बिजनेस वो भी ओपनिंग यानी कि वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी को कैपिटल कितनी थी तो हम लोग इस फॉर्मूले में इसको पुट आउट कर सकते हैं और ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती बहुत ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है जितना भी प्रॉफिट अर्न करा गया है उसका प्रपोस्टेड अमाउंट क्लब हो जाता है बट हमेशा हम लोग इनकम टैक्स में यहाँ पर क्लबिंग में मानते हैं कि हमने अपनी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट अर्न करा होगा अगर आपने साल के बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होती तो फिर इस साल क्लबिंग नहीं होती हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर देखते हैं कि ओपनिंग में क्या हमारी जो कैपिटल थी उसमें हमारे स्पाउस की भी कैपिटल इन्वेस्टेड थी या नहीं थी तो प्रॉफिट अर्न किया गया था कितना 2 लाख 2 लाख प्रॉफिट प्रॉफिटर्न किया गया था और मिसेस कामिनी ने पैसे इन्वेस्ट किए थे 4 लाख बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी थी बिजनेस की टोटल कैपिटल थी 4 लाख तो इनके स्पाउस ने इन्वेस्ट करी है और इनकी खुद की कैपिटल कितनी थी 5 लाख नहीं लास्ट ईयर का एक लॉस भी बोल रहा था यानी कि लास्ट ईयर का लॉस था 1 लाख का तो विशाल की अपनी कैपिटल थी 4 लाख 4 कैसे आया 5 1 करके 4 लाख इस साल की 2021 के लिए ओपनिंग कैपिटल फोर लाख थी क्योंकि लास्ट ईयर ही लॉस हो गया था फोर लाख इनकी कैपिटल फोर लाख इनके स्पाउस ने दी थी कैपिटल मतलब एट लाख की कैपिटल थी टोटल बिजनेस की तो एट लाख की कैपिटल थी तो इसको आप आराम से कर सकते हैं फोर बाई एट टू वन वन लाख रुपीज क्लब हो जाएंगे स्पाउस के हाथों में तो वन लाख रूपीज आप क्लब कर दीजिएगा तो आंसर वुड बी बी ओवर हेयर तो बी यहां पर आंसर आएगा कि वन लाख रुपीज इनके स्पाउस के हाथों में क्लब हो जाएंगे ठीक है तो दीज वर एमसी क्यू अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर आते हैं बट मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को मैं यहां पर ही रोकना चाहूंगा और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे पार्ट टू मैं बोल देता हूं उसको पार्ट टू में हम लोग बातें करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ठीक है चलिए पार्ट टू में मिलते हैं थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर